हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टॉपिक कर रहे थे, इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। आज हम करने वाले हैं सॉल्ट ब्रिज। याद होगा उसमें सॉल्ट ब्रिज के यूजेस पढ़े थे हमने, तो आज हम पढ़ेंगे सॉल्ट ब्रिज होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले देखो, लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था, याद होगा। अगर लास्ट वीडियो देखी नहीं है तो पीछे जाके देखो। और उसमें हमने पढ़ा था सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का क्या यूज था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में, ये हमने इस एक्सपेरिमेंट में पढ़ा। अब हम देखेंगे ये सॉल्ट ब्रिज होता है क्या है, इसके क्या रोल था और इसके क्या फंक्शंस है। और आज हम पढ़ेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन, इसका सेल रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो ये तो था हमारा लास्ट क्लास का, जो कि ये सॉल्ट ब्रिज है। और आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सॉल्ट ब्रिज का हमने लिया भी था उस वीडियो में। तो आज आ रहा है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज है क्या, तो पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या बोलते हैं। अ सॉल्ट ब्रिज इज यू शेप ट्यूब, इज यू शेप ट्यूब containing या containing concentrated solution of an electrolyte such as KCl, KNO3, K2SO4, etc. and solidified solution of electrolyte such as gelatin, agar etc. ठीक है। तो सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, एक यू शेप की ट्यूब होती है। सॉल्ट ब्रिज एक यू शेप की ट्यूब, तो यहां पे करते हैं सॉल्ट ब्रिज, एक यू शेप की ट्यूब जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स तो प्रेजेंट होने चाहिए। क्या इलेक्ट्रोलाइट, बट जो इलेक्ट्रोलाइट है वो किस फॉर्म में होने चाहिए, जिलेटिन, जेल फॉर्म में। किस फॉर्म में, जेल फॉर्म में या अगर पेस्ट। थिकनेस काफी डार्क टाइप, इतने थिक कि ये इस ट्यूब से नीचे बाहर ना आए, इस ट्यूब से बाहर बिल्कुल ना आए। वो होता है हमारा सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज किसको कंटेन करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स को। और किस फॉर्म में होता है, देखो लिखा भी है सॉलिडिफाइड, सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स अच्छा जिलेटिन अगर जेल, देखा है उस फॉर्म में। क्योंकि देखो अगर लिक्विड फॉर्म होगा, जैसे ही उल्टा करेंगे तो सारे इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर आ जाएंगे, इसलिए इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो जेल या अगर पेस्ट फॉर्म में थिक होना चाहिए काफी। जैसे आपके टूथपेस्ट होता है उससे भी थोड़ा ज्यादा थिकनेस, सॉलिड उससे भी थोड़ा ज्यादा थिक, ये अगर लिखा है, या फिर जेल फॉर्म में। याद होगा, देखो मैं बता भी रहा हूं, सेल में हम जो पढ़ के आए थे, ये हमारा सॉल्ट ब्रिज था, ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है। अगर ये लिक्विड फॉर्म में होता, तो ये सारा इलेक्ट्रोलाइट इस सॉल्यूशन में मिक्स कर जाएगा और सेल जो कि वर्क ही नहीं करेगा। तो हमें ऐसा कोई इलेक्ट्रोलाइट चाहिए जो जेल फॉर्म में हो, और वो जेल फॉर्म में हम इलेक्ट्रोलाइट को इसके अंदर फिल करते हैं, जो कि ये ब्लू कलर में दिख रहे हैं। और जेल फॉर्म में होगा तो वो नीचे नहीं गिरेगा, काफ़ी ज़्यादा थिक होना चाहिए, जिससे की वजह से ये इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन या बैलेंस करेगा। ठीक है, क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस और मेंटेन। ये होता है हमारा सॉल्ट ब्रिज। तो ये किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का हो सकता है, जैसे K2SO4, KNO3, NH4Cl एंड सो ऑन। बट कंडीशन क्या होनी चाहिए, सॉलिड जेल फॉर्म में, पेस्ट फॉर्म में जेल, ठीक है, काफी ज्यादा थिक। तो ये तो होता है क्या सॉल्ट ब्रिज। अब इसके फंक्शन क्या है, ये तो हो गया सॉल्ट ब्रिज। अब इसके क्या है फंक्शन, क्या है अगर मैं इसके फंक्शन की बात करूं, फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो फंक्शन नेक्स्ट पेज पे करते हैं, फंक्शंस ऑफ सॉल्वेज। टाइम क्या हो रहा है 41। सॉल्वेज, अब सॉल्वेज के फंक्शन इंपॉर्टेंट है, पूछे भी जाते हैं सॉल्वेज के क्या फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट by allowing to flow of ions from one solution to another, flow of ions from one solution to another without mixing of, विदाउट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशंस। ये पहला फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन। देखो क्या बोल रहा है, टू कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने देखा था ये इलेक्ट्रिक सर्किट को क्या करता है कंप्लीट। टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट, दोबारा देखते पीछे देखो सेल में, जैसे ही सॉल्ट ब्रिज आया था तो उसने क्या करा था कंडक्टिविटी को दोबारा स्टार्ट कर दिया था, बल्ब दोबारा ग्लो होना स्टार्ट हो गया था क्योंकि एक तरफ सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो गया था, दूसरी तरफ नेगेटिवली। इसके लिए आप इसकी पीछे वाली वीडियो में, मतलब इस वाली वीडियो को में जाके देख सकते हो क्या ये फंक्शन था पूरे सेल का और सॉल्ट ब्रिज का यहाँ पे क्या रोल था। तो सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहे हैं टू कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट कर रहे हैं By allowing to flow of ions, ions के मूवमेंट की वजह से, एक कैटायन और एक एनायन, by allowing to flow of ions from one solution to the another, ये एक सॉल्यूशन और दूसरे सॉल्यूशन के बीच में आयंस का मूवमेंट करता है। सबसे बड़ी कंडीशन विदाउट मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन को मिक्स भी नहीं होने दे रहा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन। तो यहाँ पे दिख भी रहा होगा लिखा है स्टेटमेंट में, विदाउट मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन को बिना मिक्स करें या बिना मिक्स करें, दोनों में आयंस का मूवमेंट भी कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट भी कर रहे हैं। ये होता है सॉल्ट ब्रिज का पहला फंक्शन। क्या होता है पहला फंक्शन। सेकंड, या ये भी बोल सकते हैं, इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन इन टू हाफ सेल्स। इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन इन टू हाफ सेल। ये हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल, लेफ्ट और राइट दोनों सेल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना। मेंटेन मीन्स बैलेंस करना। जो कंसंट्रेशन बढ़ रही थी यहाँ पे पॉजिटिव की और वहाँ पर नेगेटिव, इन दोनों को बैलेंस कर रहा है, मेंटेन कर रहा है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को। कौन? सॉल्ट ब्रिज। तो ये सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन होते हैं। कोई भी पूछे फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज तो आपको ये दो पॉइंट्स याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो पहला क्या था कि इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट कर रहा है आयंस के मूवमेंट की वजह से और दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किए बिना। सेकंड, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस कर रहा है। बैलेंस मतलब चार्ज वगैरह सब कुछ बैलेंस कर देता है और जो आपका बल्ब है वो दोबारा फर्दर ग्लो होना स्टार्ट हो गया था। ये हमने देखा था लास्ट क्लास में। तो ये हमारा सॉल्ट ब्रिज और उसके फंक्शन। अब आता है सेल रिप्रेजेंटेशन, और यहाँ पे एक वर्ड भी आया हाफ सेल, इसको भी पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है हमारा है सेल रिप्रेजेंटेशन। जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा है अभी, गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल, उसको उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, कैसे हमें रिप्रेजेंट करना है। क्योंकि अगर मेरे को सेल को रिप्रेजेंट करना है, इतना बड़ा डायग्राम हम बनाएंगे नहीं, तो उसके लिए देख लो सेल रिप्रेजेंटेशन। तो हमें पता है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लेफ्ट वाली रिएक्शन ऑक्सीडेशन था, नेगेटिव एनोड कहाँ गया ये, ठीक है, ऑक्सीडेशन नेगेटिव एनोड, और राइट वाला रिडक्शन कैथोड, रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है वो देख लो। तो लेफ्ट वाला क्या था, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो जिंक से क्या बन रहा था, Zn2 पॉजिटिव, जिंक से क्या बन रहा था, Zn2 पॉजिटिव। तो ऐसे लिखते हैं जिंक हाइफन Zn2 पॉजिटिव, जिंक से Zn2 पॉजिटिव, और राइट में बन रहा था Cu2 पॉजिटिव से कॉपर, Cu2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करा, बन गया कॉपर। ये ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन, और बीच में ये रिप्रेजेंट करता है सॉल्ट ब्रिज। इस डबल डंडे का मतलब है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के जो लेफ्ट में होगा वो होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन अकर इन या अकर एट एनोड, जो कि नेगेटिव पोल, नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। ऑक्सीडेशन अकर एट एनोड, जो कि नेगेटिव था लेफ्ट वाला, जिंक से Zn2+ बन रहा था और Cu2+ से कॉपर। तो राइट में क्या है, रिडक्शन अकर एट कैथोड, जो कि है पॉजिटिव पोल या पॉजिटिव टर्मिनल, और जब बीच में दो डबल स्लैश है ये रिप्रेजेंट करता है हमारे सॉल्ट ब्रिज को। तो ये हमारा सॉल्ट ब्रिज, ये लेफ्ट वाला ऑक्सीडेशन, राइट वाला रिडक्शन। साथ ही साथ यहाँ पे कंसंट्रेशन भी होती है, देखो यहाँ पे होता है C1 एंड दिस वन इज C2। C1 एंड C2 क्या है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, ठीक है। C1 और C2 क्या है, कंसंट्रेशन, जो कि हम आगे नेक्स्ट इक्वेशन में करेंगे भी, इनकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना, निकालना गिवन होती है कई बार, ठीक है। ये कंसंट्रेशन Zn2+ की कितनी कंसंट्रेशन है, 0.1 m, 0.3 m, सोन, एंड कॉपर 2+ की कंसंट्रेशन कितनी है वो यहाँ पे लिखी होती है। ये है सेल रिप्रेजेंटेशन। अगर ये तो देखो जिंक सॉलिड था, एक्वस, एक्वस से सॉलिड, दो डिफरेंट स्टेट है, दो डिफरेंट स्टेट। अगर फेज सेम हो, दो डिफरेंट फेज आ गए ना, सॉलिड एक्वस, एक्वस सॉलिड, देखो 2+ आयन एक्वस होता है, Zn2+ आयन एक्वस होता है, एक्वस के साथ सॉलिड, एक्वस के साथ सॉलिड, तो फेज दोनों डिफरेंट है। अगर दोनों फेज सेम हो, इफ फेज इज सेम, कहने का मतलब है अगर रिएक्शन ऐसे ही मान लो Fe2+ Fe3+ में कन्वर्ट हो रहा है, बीच में सॉल्ट ब्रिज लिखा है, ठीक है, और राइट में कोई भी रिडक्शन हो रहा है, कॉपर के ले लेते हैं ऐसे हम समझने के लिए, Cu2+ Cu, राइट में तो हमने सीख लिया, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हाइफन टाइप, ठीक है। अगर दोनों का फेज सेम है, सेम मतलब देखो Fe2+ भी एक्वस है और Fe3+ भी एक्वस है, तो तभी कभी भी फेज सेम हो तो हम यूज करते हैं कोमा। इफ फेज इज सेम then we use comma, ठीक है। अगर फेज सेम होता है तो यहां तक ना हम किसको यूज करते हैं, यहाँ पर कोमा से रिप्रेजेंट करते हैं, तब वो हाइफन टाइप, ये जो डंडा है ये यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। फेज सेम होते हैं तो कोमा लिखते हैं, राइट तो मैंने सेम ही लिख दिया ऊपर से, ठीक है। फेज सेम होगा कभी भी एक्वस एक्वस तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कोमा। अगर यहाँ पे आप ये लाइन डाल रहे हो तो वो इनकरेक्ट है। कई बार यही पूछ लेते हैं कि सेल की रिप्रेजेंटेशन दे रखी है 4 ऑप्शन, तो उसमें से करेक्ट कौन सी है, इनकरेक्ट कौन सी है, उस केस में आपको कोमा मिलेगा ही मिलेगा। तो ये था सेल रिप्रेजेंटेशन और ये था हमारा सॉल्ट ब्रिज। अब यहाँ पे जो एक वर्ड आया था, क्या नाम है, ये हाफ सेल, देखते हैं, हाफ सेल और रेडॉक्स कपल। ठीक है, रेडॉक्स कपल डेफिनेशन क्या बोलती है, द टू पोर्शन ऑफ सेल, द टू पोर्शन ऑफ सेल इज नोन एज हाफ सेल्फ और रेडॉक्स कपल्स। तो डेफिनेशन बोल रहा है द टू पोर्शन ऑफ सेल, द टू पोर्शन ऑफ सेल, द टू पोर्शन ऑफ सेल इज नोन एज हाफ सेल ऑफ रेडॉक्स कपल्स। तो इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल पढ़ा था हमने दो पोर्शन में पढ़ा है, देख लो ये ना, टू पोर्शन ऑफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल। द टू पोर्शन ऑफ सेल इज नोन एज हाफ सेल, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलते हैं और एक को रिडक्शन हाफ सेल, और जिनका दूसरा नाम क्या है रिडॉक्स कपल्स। कपल्स क्यों, एक ऑक्सीडेशन एंड एक रिडक्शन। तो कहीं पे भी आता है अगर हाफ सेल होता है क्या है, तो एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल। ये एक जो बीकर है उसे हाफ सेल्स बोलते हैं, लेफ्ट वाली को हाफ सेल एंड राइट वाला हाफ सेल्स, और इस पूरे को रिडॉक्स कपल्स। कपल्स एक ही रिडक्शन एंड रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो आज हमने सॉल्ट ब्रिज एंड सेल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा, और साथ के साथ यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन में आप ये भी देख लो, साथ के साथ कि जो लेफ्ट वाला होता है उसको लर्न करने का मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था फॉर्मूला लोन, ठीक है। लेफ्ट वाला, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, ठीक है, ये लोन, इससे आप याद भी कर सकते हो लोन से, लेफ्ट हैंड ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। तो बाकी बचा हुआ राइट वाला क्या हो जाएगा, राइट रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव। तो उस फॉर्मूले को भी याद रखना, वो भी हेल्प करेगा। और ये होता हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन। अगर कोमा जो हो, सॉरी कोमा जब यूज करते हैं तब फेज सेम हो, दोनों एक्वस एक्वस टाइप। तो आज हमने पढ़ा सॉल्ट ब्रिज एंड सेल रिप्रेजेंटेशन बस, और हाफ सेल क्या होता है सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ और न्यू टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो इतने ही आप नोट करें।